अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ रमज़ान स्पेशल बेसन का हलवा। बहुत ही यूनिक रेसिपी है जिसमें मैं चीनी का बहुत कम इस्तेमाल करूँगी, जिसमें मैंने लिया है कंडेंस मिल्क। आज हम ये डालेंगे इसमें। अगर हमें लगेगा कि चीनी कम है, अगर ये मीठा नहीं हो, तो हम थोड़ी सी चीनी ऐड कर देंगे। जिसके लिए मुझे चाहिए हाफ कप है, हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा बेसन है, तकरीबन ये 4 से 5 टेबल स्पून घी है, भर के घी है, 4 5 इलायची है, ये मेरे पास मलाई है, घर की मलाई जो दूध उबलता है और उसकी मलाई बच जाती है, ये हमारे पास कंडेंस मिल्क है, ये 4 से 5 टेबल स्पून है, ये बादाम हैं जो मैंने काट लिए हैं, पहले पानी में भिगो दिया था, फिर इनके छिलके उतार के इनको काट लिया। ये हमारे पास है तिल। तो ये हमारी रेसिपी है और ये हमने दूध और चीनी साइड पे रखा हुआ है। अगर मुझे चीनी कम लगेगी तो मैं थोड़ी चीनी ऐड कर दूँगी। दूध थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल होगा हलवे में। आइए फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया है, घी, और घी मैंने अभी आधा डाला है, आधा मैंने छोड़ दिया है। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं वो घी भी इसमें ऐड कर दूँगी। हम इसमें बेसन ऐड कर देते हैं। अब इसको हम थोड़ा स्लो आंच पे अच्छी तरह भूनेंगे। धुलाई बहुत अच्छी होनी चाहिए जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए, कच्चा पान इसका ख़त्म हो जाए। अब मैं इसको भून लेती हूँ अच्छी तरह। ये आप लोग देख सकते हैं बेसन का कलर लाइट ब्राउन हो गया है। ये हमने इसको 10 से 15 मिनट भूना है। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। अब हम इसमें थोड़ा दूध ऐड करेंगे। इसके बाद हम कंडेंस मिल्क इसमें ऐड करेंगे। दूध और उसमें जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह भून के दूध में कंडेंस मिल्क यूज़ कर दिया है, इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको इसमें अच्छी तरह से और भूनूंगी 5 से 10 मिनट। फिर हम इसको टेस्ट करेंगे, अगर कम मीठा लगेगा तो मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें मलाई ऐड करेंगे जो हमने रखी थी। ये हमने मलाई ऐड कर दी इसमें। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा शानदार हलवा बना है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है। अभी हम इसको 5 से 10 मिनट और भूनेंगे ताकि थोड़ा सा लाइट ब्राउन शक्ल इख्तियार कर ले। जी आप लोग देख सकते हैं कितना हलवा माशाल्लाह हमारा अच्छा रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल, इसने फ्राई पैन को भी छोड़ दिया है, ये बिल्कुल अच्छी तरह पक चुका है। बहुत सॉफ्ट, बहुत स्मूथ, बहुत क्रीमी हलवा बेसन का आज का रमज़ान स्पेशल। पूरी से खाएँ, पराठे से खाएँ, बहुत मज़े का लगेगा। हमारा बेसन का हलवा रेडी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।